हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एनिमल की डे टू की ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। कल कैसा क्या सिनेरियो रहा डे टू में, कितनी क्या कमाई करी है इसने, भाई लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सैटरडे पर फाड़ के मारा है, ठोक के मारा है, बॉक्स ऑफिस फाड़ डाला बिल्कुल। लास्ट चल रहा है, साल का अंत चल रहा है, इससे पहले बहुत मूवी आ चुकी हैं, ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं, लोगों की जेब ढीली हो गई है। बावजूद इसके एनिमल के मेकर संदीप रेड्डी वांगा ने लोगों को मजबूर कर दिया कि भाई थिएटर आओ और देखो, क्योंकि हम वो चीज़ लेके आए हैं जहां पर हम ये सारा खुल के बता रहे हैं। घंटा समाज को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो हमें दिखाना है वो हम दिखाएंगे, क्योंकि यही एक्चुअल में चल रहा है। एंड डेफिनेटली दिस फाइनेस्ट क्रिएशन लवेबल बाई पब्लिक, भाई लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए इस मूवी को इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक एक करके बताता हूँ कल हिंदी से क्या सिनेरियो रहा है। साउथ बेल्ट में बहुत अच्छी पकड़ बनाई है भाई। 2023 में सिर्फ जवान ऐसी मूवी थी जो साउथ बेल्ट में अच्छी पकड़ बनाई थी। उसके बाद लग भी नहीं रहा था कि बॉलीवुड की कोई और मूवी होगी जो साउथ बेल्ट में पकड़ बनाएगी, लेकिन एनिमल बहुत अच्छी पकड़ बना रही है। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। सैटरडे कल था और डे टू पर सिर्फ हिंदी से 58 करोड़ 37 लाख ठोंक के मारा है, जबरदस्त तरीके से ठोंक के मारा है। सिंगल डे ह्यूज कलेक्शन है जो गदर टू के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर चुकी है, जो टाइगर थ्री के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर चुकी है। सिंगल डे पे हिंदी से मेजर कलेक्शन के मामले में ये थर्ड नंबर पर आ चुकी है। पहले जवान थी, देन पठान थी, उससे ही पहले शायद KGF 2 है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ अब चौथे या थर्ड नंबर पर एनिमल आ चुकी है, जिसने सिंगल डे में हिंदी से ह्यूज जाइगेंटिक कलेक्शन किया है। साउथ बेल्ट में बहुत अच्छी पकड़ बनाती दिखी है कल को, 8 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, आईमैक्स हिंदी से भी ये मूवी 8 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन लेके आई है। देन कल पूरी दुनिया से बहुत बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिला है। डे वन की ओपनिंग थी पूरी दुनिया से 116 करोड़, डे टू कल था 120 करोड़ ठोंक के मारा है पूरी दुनिया से। ओवरसीज से भी बहुत बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिला है। तो भाई पहले दो दिन में ये मूवी कितना कलेक्शन कर लेती है, मतलब कल और परसों दोनों दिन के कलेक्शन को मिलाकर टोटल हिंदी से 113 करोड़ 12 लाख देन साउथ बेल्ट में ही सिर्फ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम को मिलाकर 17 करोड़ 95 लाख ऑलमोस्ट 18 करोड़ टच कर गई है पहले दो दिन में ही। तो बहुत ह्यूज रेस्पॉन्स मिल रहा है साउथ में ही, भाई नहीं मिलता है। तेलुगु से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बॉलीवुड मूवीज़ को नहीं मिलता है, हिंदी मूवीज़ को साउथ बेल्ट में इतना भाव नहीं मिलता है, लेकिन जवान ने वो करके दिखाया, देन एनिमल ये करके दिखा रही है। संदीप रेड्डी वांगाज क्रिएशन, भाई लोगों को मजबूर कर रहे हैं इस कॉन्टेंट को पसंद करने के लिए। इसी के साथ पहले दो दिन में नेट इंडियन कलेक्शन, मतलब ऑल लैंग्वेज को मिलाकर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी को मिलाकर पहले दो दिन में 131 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन कर चुकी है ये मूवी। भाई दो ही दिन में 100 करोड़ टच करना, वो भी नेट इंडिया से, बिल्कुल मामूली बात नहीं है बॉलीवुड की मूवी के लिए वो भी, क्योंकि बॉलीवुड का अभी जो फेस चल रहा था बहुत डाउन चल रहा था, बहुत नीचे आ चुके थे भाई। 100 करोड़ 150 करोड़ कमाना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। सलमान खान जैसा सुपर सुपर डुपर स्टार, ग्लोबल स्टार, किसी का भाई किसी की जान 120 करोड़ भी नहीं कमा पाए लाइफ टाइम कलेक्शन। तो भाई वो मूवी, वो बॉलीवुड की मूवीज अब 100 करोड़ सिर्फ दो ही दिन में टच कर रही है, 1000 करोड़ ठोक के मार रही है। तो ऐसा मुद्दे की बात पर आओ कि आज मतलब पूरी दुनिया से पहले दो दिन में इस मूवी ने कितना कलेक्शन कर लिया है, भाई 236 करोड़ ठोक के मार दिए हैं पूरी दुनिया से दो ही दिन में। 236 करोड़ भाई कोई आम बात नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम कलेक्शन होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, बॉलीवुड की भी कोई से बड़ी मूवी का भी लाइफ टाइम कलेक्शन होता है, और इस मूवी ने सिर्फ दो ही दिन में 236 करोड़ ठोक के मार दिए है। सॉलिड ग्रोथ है, ऑसम ग्रोथ है भाई, लोग पसंद कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा के इस एनिमल को, इस जानवर को लोग पसंद कर रहे हैं। देन इसके बाद जब सेकेंड पार्ट आएगा ना एनिमल का सेकेंड पार्ट, भाई उसमें और भी रिकॉर्ड टूटेंगे, उसमें और भी ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। फिलहाल यही मूवी जबरदस्त तबाही करते नजर आ रही है, ना कि सिर्फ थिएटर हाउस में बल्कि बॉक्स ऑफिस में भी। आज डे थ्री पे कैसा रिस्पॉन्स है भाई, डे थ्री पे आज संडे है, संडे को फाड़ के रिस्पॉन्स मिल रहा है इस मूवी को, और आज तो लगभग में लगभग सिर्फ हिंदी से 64 से 65 करोड़ कमाते नजर आ रही है ये मूवी, और नेट इंडिया से लगभग में लगभग 74 से 75 करोड़, और पूरी दुनिया से मे भी 130 करोड़ 132 करोड़ ये मूवी इजी टू इजी टच करते नजर आ रही है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। डे थ्री पे कैसा कलेक्शन है, उसके बाद पूरी दुनिया से ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, क्या 1000 करोड़ ठोक के मार देगी जवान और पठान की तरह, क्या 800 करोड़ या 700 करोड़ में ही ढह जाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।